तो बस हम लोग बीकानेर सिटी पहुंच चुके थे और बहुत आराम से पहुंच गए थे 40 मिनट्स में। तो हमने द लक्ष्मी निवास पैलेस में बुकिंग करी हुई थी, तो वहाँ हमारा आज का स्टे है बीकानेर सिटी में। और ये जो है ना, ये पूरा ही राजा महाराजाओं वाला था, और मतलब बिल्कुल ही इतना बड़ा, इतना ह्यूज उसमें है ये पूरा घिरा हुआ। आसपास सारी ग्रीनरी और बहुत अच्छे से, मतलब इतना ब्रॉड बनाया हुआ है। मैं वैसे आपको आज लक्ष्मी निवास पैलेस का पूरा वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग ज़रा पहले नीचे जाते हैं हमारा, क्योंकि घूमने का भी है ना। तो फिर हम पहले सारे बीकानेर सिटी में सारे जितने भी हमारे मतलब पास में जो भी हैं, क्योंकि आप लोग जानते तो हैं कि बीकानेर सिटी अपने आप में कितनी फेमस सिटी है। ये मतलब समझ रहे हो, आपकी पूरी ऐतिहासिकता के नाम पर मतलब बहुत बड़ी उस पर माना जाता है इसे, कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब राजपूत वगैरह जो थे सारे, काफ़ी उन लोगों ने बहुत कुछ किया था। और इतने अच्छे अच्छे पैलेस बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने ये द लक्ष्मी निवास पैलेस किया है यहीं पे, इसे लालगढ़ पैलेस करके भी लिखा हुआ है। और इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि उस साइड में जैसे राजा महाराज, एक दो साइड करके उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे होटल जैसे के लिए आने के लिए एक रास्ता, और दूसरी तरफ में बिल्कुल राजाओं वाला है जहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है ऐसे ही। और बस तो उसका यही था। और बीकानेर सिटी का तो आपको पता ही है, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे ये जो है द लक्ष्मी निवास पैलेस, ये तो अपने आप में यहाँ पे इतनी फिल्म्स की शूटिंग हो रखी है, और क्योंकि बहुत बड़े उसमें स्केल में फैला हुआ है ना ये तो। और यहाँ पे अभी कपिल शर्मा शो की फिरंगी की शूटिंग भी यहीं हुई थी। और कौन मूवी थी जो अजय देवगन, और हाँ जो अजय देवगन की मूवी थी, कौन सा सॉन्ग था वो, तेरे लश्क के कमल। हाँ हाँ, वो यहीं पर ही हुआ था। उन्होंने कहा था लश्क के कमल देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि अच्छा है थोड़ा, मतलब बहुत रॉयल बना हुआ है। जैसा कि अभी आपको मैं बता रही हूँ, अपना हमारा रूम ही ये देखिए, बहुत उसमें है। अभी तो आके ही हमने इसमें जल्दी जल्दी आए, फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी पूरा मैं रूम टूर भी कराऊंगी। लक्ष्मी निवास पैलेस आपको पूरा तरीके से दिखाऊंगी। बीकानेर सिटी के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी पूरा। तो पहले हम जरा फटाफट से नीचे पहुंचते हैं, जरा फट चलते हैं, क्योंकि बीकानेर सिटी में जो जो चीज़ें हमें आज देखने को मिलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, और जितना जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ बीकानेर सिटी के बारे में वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हमारे साथ आज एलिवेरा दिख जाएगा। ये बहुत इंजॉय करिए, कह रही है मम्मा यहीं रहते, कहाँ बाहर जाना है घूमी। शानू कैसा लग रहा है आपको, कितना अच्छा, कितना अच्छा। तो ये देखिए, ये हमारा रूम, और यहाँ पर देखिए इसकी एंट्रेंस, एक यहाँ से भी रास्ता है इधर से। हाँ, भूल भुलैया की शूटिंग भी तो ऐसी होती है हवेली में। ये देखिए,
यहाँ से लिफ्ट से हम लोग आए थे और ये देखिए, ये देखो, और आपको एक सबसे बड़ा दिखाती हूँ, ये देखो, सब रियल है। अब यहाँ से है रिसेप्शन का रास्ता, रिसेप्शन पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये था मेन एंट्रेंस, और ये थे गणेश जी। गणपति जी, और फिर यहाँ से लिफ्ट का था जो मैंने आपको दिखाया था, देन वहाँ से हमारा रूम, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा ही लक्ष्मी निवास पैलेस है, ये देखिए पूरा, ये ऐसे बना हुआ है, देखिए टॉप पर, और ये देखिए यहाँ सेंटर में ऐसे गार्डनिंग में, और यहाँ फाउंटेन होता होगा, रात को शायद चलता है, शाम टाइम, इवनिंग टाइम में यहाँ पे फाउंटेन भी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल एक्ट वो भी होते हैं, डांस वगैरह भी ना, सारे अपनी सिटी के फेमस लोग वो रहते हैं यहाँ पर, करते हैं सारा, इसमें ना प्रॉपर बता रखा है इन्होंने, ये देखिए बड़ा ही सुंदर है, भी फाउंटेन है। अरे वाह ईशानु, यहाँ पे कब आएंगे अब? नहीं लौट पाएंगे? अच्छा, ये देख, चलो इतना बड़ा है कि मैं पूरा कवर करते करते ही टाइम लग जाए, इसमें एक दिन भी कम है। हाँ छोटा सा, पैर में चुभता है ना, ध्यान रखो। अच्छा यहाँ सिटिंग का पूरा अरेंजमेंट है, अपना यहाँ बैठो आप पूल के सामने और इंजॉय करो। ये देखिए यहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स भी पूरे हैं, ये देखिए, ये कह रही है मम्मा मुझे एक करना है, ये भी देखिए, ये पूरा लक्ष्मी निवास पैलेस का व्यू, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। आपको पैलेस में ही टाइम लग जाएगा कि आपको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, कितनी जल्दी जाओ, कितनी जल्दी यहाँ घूमो। ये देखिए, ये देखिए पहले के टाइम के उनके सारे बर्तन यहाँ पे हैं, घड़े वगैरह, जिस चाय से पीते होंगे वो चाय वगैरह सब। ये देखिए, ये है मेन, यहाँ से हम लोग आए थे लक्ष्मी निवास पैलेस, यहाँ पे मेन एंट्रेंस, वहां से कार अंदर आई थी, यहाँ से ये मेन एंट्री थी लक्ष्मी निवास पैलेस, जाने दो, खेलने दो से। कितना अच्छा है ना, खुला खुला स्पेशियस सा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे?
चलो कार भी आ गई हमारी। हाँ आ जाओ, कार आ गई वहाँ से आ रही है। जल्दी आओ सानू, जल्दी रन फास्ट। तो अभी लग गई थी हम लोगों को भूख, तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा खाया जाए फिर ही घूमेंगे, वरना ज़्यादा भूख लग गई तो फिर बीच में से कट करना मुश्किल होता है। तो अभी भैया ने हमें ड्रॉप किया रेस्टोरेंट में, तो हम आए हैं यहाँ पर इंद्राज, इंद्रा रेस्टोरेंट। ये देखिए, यह है चाय पकौड़े और बारिश, द बेस्ट रिलेशनशिप। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया फ्लावर से, बहुत सिंपल सोबर एंड नाइस है। ये देखिए गार्डन लुक में भी है, आप बाहर भी बैठ के खा सकते हैं और अंदर भी। इंद्राज, चलिए ये देखिए हैं, वाओ। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी खाते हैं चौकी में बैठकर भी, ये तो स्पेशलिटी है यहाँ की। ये देखिए वेरी नाइस, राजस्थान में लोग ऐसे ही बैठकर खाते हैं ना, मज़ा आता है। चलिए ये तो यहाँ बैठ गए हैं, अब मैं भी कुछ खाती हूँ। खाना आ गया, रायता मिक्स वेज दाल। दाल कैसा हो रहा खाना? बहुत बढ़िया, लाजवाब, राजस्थानी खाना बढ़िया है, मज़ेदार होता है, स्पाइसी भी होता है और सही होता है। ये देखो इसे भूख लगी है, मम्मा खाना कब आएगा, जल्दी जल्दी खिलाओ। चलो खाओ फटाफट खाओ जानू। ये हमने यहाँ पे इंदिरा रेस्टोरेंट में खाना खाया और यहाँ पे ना ये बिल देखिए कितने अच्छे स्टाइल में लेकर आए हैं। राजस्थान तो अपना इस चीज़ों में मशहूर है और ये चीज़ें दिखाती है आपको। देखो इन्होंने ना पैलमेट को कितने अच्छे तरीके से फोल्ड किया हुआ है उसको देखो, और इनका वो देखो उन्होंने क्या कारीगरी करी हुई है, कितना अच्छा स्टाइल बनाया हुआ है। ये पैलमेट को इस तरीके से वो करना है कवर, ये देखिए, ये देखिए, ये इंदिरा रेस्टोरेंट के पास ही सामने है सागर होटल। मतलब इस समय बिल्कुल ही सुनसान है रोड, यहाँ पे ना दिन के टाइम में कुछ नहीं है, अब देखते शाम का टाइम कैसा रहता है। ये क्या है, होटल कलिंगा, ये देखिए, ये देखिए जूनागढ़ फोर्ट, इतना बड़ा है। शानू देखो कितना सारा पानी, वाओ पानी पूरा भरा हुआ रहता है। हाँ होती है, लेकिन अभी क्या है कि बरसात की वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या, इधर जब सिटी का गंदा पानी जो आता है ना, अच्छा वो थोड़ा सा क्या है कि नीचे कोई सीवरेज की पुरानी स्ट्रीट टाइम की कोई लाइन थी। अच्छा अच्छा यहाँ पे गाइड बता रहे हैं हमें कि लोग ना यहाँ पे बैठते थे राजा, और यहाँ पे पूरा एक डांस नृत्य हुआ करता था, यहाँ पे कुछ भी कार्यक्रम होते थे, और जो यहाँ महल की रानियाँ थी वो यहाँ अंदर से देखा करती थी, यहाँ जालियाँ लगी। बादल महल,
ये देखिए अब हम बादल महल में जा रहे हैं, ये देखिए आ जाइए।